हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में रबर को खत्म कर लिया था, फिर हमने सेमी सिंथेटिक रबर के बारे में पढ़ लिया था, उसको ही हम वल्कनाइज रबर बोलते हैं। फिर मैंने उसके कुछ एग्जांपल भी बताए थे सिंथेटिक वो रबर के। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों बायोडिग्रेडेबल, मतलब बायोपॉलीमर एंड डिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है, अब देखो बायोपॉलीमर और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आपके लाइफ में क्यों आए, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट। बायोपॉलीमर को हम क्या बोलेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जो आपके पॉलीमर आपको कहां से मिले, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो पॉलीमर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर हम बोल सकते हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल दो, या बच्चों यहाँ पर, या फिर प्लांट बोल दो। ठीक है, हमको कौन कौन से पॉलीमर मिलते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको मिल जाता है एक स्टार्च मिल जाएगा, एक आपका सेल्यूलोज मिल जाएगा, एक आपका प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये सारे पॉलीमर आपके क्या होंगे बच्चों, बायोपॉलीमर। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, जब ये आपके क्या होते हैं, ये आपके बायोपॉलीमर फर्दर आपके डिवाइड हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में फर्दर आपके डिवाइड हो सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोल सकते हैं, यहां पर ये आपका क्या हो सकता है बच्चों, ब्रेकडाउन हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब ये हमारे हमारे डेली लाइफ में क्यों आ गए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बच्चों पॉलीथीन आपके पॉल्यूशन को क्रिएट करता है। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पर बायोपॉलीमर का यूज अगर करूंगा मैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का, तो यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका ध्यान से समझना, यहां पर आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का अगर मैं यूज करूंगा तो आपका लेस पॉल्यूशन होगा। और लेस पॉल्यूशन होने की वजह से ये आपका क्या आ गया बच्चों, डेली लाइफ में आपका आ चुका है। ठीक है, इसीलिए बायोमोलिक्यूल का इंपॉर्टेंस है। वैसे जनरली पॉलीमर्स आपके काफी मतलब हार्मफुल होते हैं, लेकिन अगर मैं इन पॉलीमर का यूज करूंगा, तो अभी इस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, लेकिन फिलहाल कुछ पॉलीमर आए हुए हैं तो उसी को हम देख लेते हैं। यहाँ पर लेस पॉल्यूशन होने की वजह से हमने इसको यहाँ पर मतलब ऐड किया है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो एक एक करके सभी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का हम एग्जांपल समझ लेते हैं बच्चों। पहला एग्जांपल होगा थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसको बोल सकते हैं बच्चों यहां पर हम इसको बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। हम इसको क्या बोल सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। अब समझना, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कैसे, ये हो गया आपका OH CH2, ये आपका अल्फा पोजीशन, आपके बीटा पोजीशन पे OH लगा दो। ठीक है, ब्यूटेनोइक का मतलब चार कार्बन, 1 2 3 4। तो इस तरीके से अगर मैं इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन कराऊंगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से आपका OH बाहर निकलेगा बच्चों H मॉलिक्यूल। तो आपका क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो बच्चों, CH3 CH2 CO C, ये आपका इस तरीके से, सॉरी यहां पर आपका इस तरीके से N बन जाएगा। अब इसी को हम क्या बोलेंगे, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, ये भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, एक और हम इसको शॉर्ट नेम बोलते हैं PHB, पॉली हाइड्रोक्सी
ग्लिटर है, ठीक है, ये इसका शॉर्ट नेम हुआ। तो अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल इसमें बायोडिग्रेडेबल में, और वो हर साल एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों। जो अगला एग्जाम्पल है बच्चों वो आपके ध्यान रखना, सीबीएसई के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछता है, और अगले एग्जाम और बाकी बहुत सारे एग्जाम में पूछता है बच्चों। तो इसको हम बोलते हैं यहां पर पॉली बीटा हाइड्रोक्सी, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ब्यूटायरेट सॉरी ब्यूटायरेट ब्यूटायरेट एंड को बीटा हाइड्रोक्सी वैलरेट, ये होता है बच्चों आपका। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, पी एच बी वी, पीएचबीवी पॉलीमर, इसको शॉर्ट में यहां पर इसका नया नहीं लिखेंगे बच्चों, हम लोग यहां पर इसके बारे में नहीं लिखेंगे। देखो अब इसका क्या होगा बच्चों, देखो जैसे सी डबल ओ एच बना दिया, बिल्कुल सही, सी एच टू सी एच, यहां पर ओ एच बना दिया, यहां पर सी एच थ्री, दिस इज वॉट बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट ब्यूटायरेट, ठीक है। नाउ प्लस अगर ओ एच सी एच सी टू एच फाइव बना दिया, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सी एच टू सी ओ एच, नाउ इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, ठीक है। आप देखो बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना, इसका जब मैं एडिशन एडिशन पोलिमराइजेशन करूंगा, एडिशन पोलिमराइजेशन, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझना, एडिशन पोलिमराइजेशन कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, यहां पर ध्यान से समझते हैं एक एक करके। जैसे ही मैं इसका बनाऊंगा तो यहां पर आपका क्या बनेगा, देखो यहां से आपका ओ एच निकलेगा, यहां से एच, यहां से भी ओ एच रिमूव होगा, यहां से एच, तो क्या बनेगा, ओ सी एच सी एच थ्री सी एच टू सी ओ सी एच सी टू एच फाइव सी एच टू सी ओ, ठीक है, सी ओ, इस तरीके से बन जाएगा आपका। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पी एच बी वी पॉलीमर, जो कि आपका क्या होता है बच्चों, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। थोड़ा इसके एग्जाम्पल को ध्यान देना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपके, काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है बच्चों, ईस्टर बॉन्ड है, तो ये आपका एक तरीके का एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, पॉली ईस्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, पॉली ईस्टर का एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट 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 आपका रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं बच्चों, यहां पर पीजीए, पीजीए पॉलीग्लाइकोलिक एसिड और पीएलए मतलब पॉलीलैक्टिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे, पॉली ग्लाइकोलिक एसिड सॉरी पॉली पॉलीग्लाइकोलिक ग्लाइकोलिक, ठीक है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, सही है, और इसका क्या बोलेंगे, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड इससे बनेगा। आप देखो पॉलीग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है बच्चों, सी एच सी डबल ओ एच और यहाँ पर ओ एच, इस तरीके से आपका पॉलीग्लाइकोलिक एसिड होगा। अब इसका कैसे करेंगे बच्चों, बड़े ही ध्यान से समझेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड। अब देखो ग्लाइकोलिक एसिड बोलते हैं बच्चों इसको, इसमें से यहां से मैंने ओ एच निकाला, यहां से मैंने एच निकाला, तो यहां पर क्या बन जाएगा, इस तरीके से आपका सी एच टू ओ, ये आपका बन जाएगा पी जी ए, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं पी एल ए की, मतलब पी एल ए क्या हो जाएगा बच्चों, सी एच, जहां पर आपका क्या आ जाएगा, एक आपका सी एच थ्री मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा एड होगा, यहां पर सी डबल ओ ओ एच, यहां पर आपका ओ एच, ठीक है, अब ये जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल का लॉस हुआ, यहाँ पर भी आपका H2O मॉलिक्यूल का लॉस हुआ, यहाँ से H रिमूवल होगा, यहाँ से OH, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O, यहाँ पर CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा आपका पॉलीलैक्टिक एसिड। बस इस तरीके से हमारा एक और बायोडिग्रेडेबल का एग्जाम्पल खत्म हुआ बच्चों। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका मोनोमर क्या है, इसका ग्लाइकोलिक एसिड और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, लैक्टिक एसिड, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नाउ बच्चों अब हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नायलॉन 26, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, नायलॉन 26, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, नायलॉन 26 के बारे में समझते हैं, नायलॉन 26 बच्चों ध्यान से समझना बच्चों इसको, नायलॉन
2-6, नायलॉन 2-6 का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? एक में आपका दो कार्बन होगा, एक में आपके कितने कार्बन होंगे, एक में आपके 6 कार्बन होंगे। तो कैसे करेंगे बच्चों? देखो यहाँ पर NH2 एंड CH2 COOH, एक में आपका दो कार्बन है और एक में आपका कितने कार्बन है बच्चों, CH2 5 COOH, इसमें आपके 6 कार्बन है, 6 कार्बन वाला है और ये आपका 2 कार्बन वाला है। इसका मैं एडिशन पॉलीमराइजेशन कराऊंगा। क्या कराऊंगा? एडिशन पॉलीमराइजेशन। जब मैं इसका एडिशन पॉलीमराइजेशन कराऊंगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, यहां पर देखो यहां से एच आपका रिमूव होगा, यहां से OH, यहां से एच आपका रिमूव होगा, यहां से OH, तो आपका कौन सा पॉलीमर बनेगा बच्चों, थोड़ा ध्यान से समझो। यहां पर आपका बनेगा NH2CO NH2CH2 5 CO, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। देखो अब इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन, एमिनो ग्लाइसिन, वो एमिनो एसिड का एक एग्जांपल है ग्लाइसिन, और इसको क्या बोलेंगे, कैप्रोइक, कैप्रोइक, ठीक है, इसको एक को क्या बोलेंगे ग्लाइसिन और एक को क्या बोलेंगे एमिनो कैप्रोइक एसिड, इसको क्या बोलेंगे एमिनो कैप्रोइक एसिड, इसका नाम क्या होगा बच्चों, एमिनो कैप्रोइक एसिड और इसका नाम क्या होगा ग्लाइसिन। तो अभी से थोड़ा नाम याद करना स्टार्ट कर दो। तो इससे क्या बनेगा बच्चों हमारा, नायलॉन 2-6, ठीक है। ये आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका यहाँ पर पॉलीमर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यहां तक आपका बायोडिग्रेडेबल और बायो पॉलीमर खत्म हो चुका है, ठीक है बच्चों। यहां पर अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी के बेसिस पे, तो एनसीईआरटी के बेसिस पे आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। बस इसमें एक पॉइंट है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास वाला, जो आपके आईआईटी एडवांस में आता है, तो वो मैं आपको कल उसका वीडियो लेक्चर देके उसका मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। तो उस वीडियो लेक्चर में आप लोग उसमें मॉलिक्यूलर मास को भी देख सकते हो, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास वाला बच्चों आपके वैसे एनसीईआरटी के सिलेबस में गिवन नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि क्योंकि पिछले पिछले कई साल में एक एक मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन उसमें से आ चुके हैं। तो हम लोग है ना रिस्क नहीं लेंगे, हम लोग उसको भी देख लेंगे कल। तो यहां तक आपका पॉलीमर कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको समझ में आया होगा।